नमस्ते, माधवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। स्टैटिक वर्ब्स के इसमें हम परसेप्शन देख लिए, परमानेंट, मेंटल स्टेट्स, इमोशनल स्टेट। अभी स्टैटिक स्टेट्स देखेंगे तो पूरा हो जाएगा। चलिए क्रियाओं को देख लेते हैं। वर्ब्स ऑफ स्टैटिक स्टैटिक स्टेट्स देखिए, ऐसे कार्य स्थायी रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आई ऑन ए हाउस, मेरा अपना घर है। तो ये ऑन, ये अधिकार का बोध हो रहा है, इससे तो हम ऑनिंग तो नहीं कर सकते। दूसरा, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरा है। दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, बिलोंगिंग टू मी नहीं कहा जा सकता। सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी माँ की जैसा है। सी रिजेंबल्स, वो अपनी माँ की जैसी है। तो रिजेंबल्स इसको तो नहीं बोल सकते हैं आई एन जी में। और सही डिजर्व्स प्रेज, प्रशंसा को डिजर्व करता है, अब योग्य है, उसके लायक है। यहाँ पर डिजर्विंग तो नहीं बोल सकते हैं, ही इज डिजर्विंग। इस वजह से दे रिमेन गोइंग, वो जाता रहा, तो रिमेनिंग नहीं कहा जाएगा। तो बस स्टैटिक स्टेट्स में समझा सका। चलिए मैं कुछ क्या, मैं भाव से स्टडी स्टेट्स की जो जो क्रियाएं हैं वो सब दे रहा हूँ। अब इसे याद रख लीजिएगा, इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में। हिंदी बता दे रहा हूँ, प्रकट होना, हाँ प्रकट होना को हम बोलेंगे एफ़ ए डबल पी ई आर एफ आर, ठीक है। से संबंधित होना, बिलोंग टू, से संबंधित होना, में होना, consist s i s consist of, में होने जैसे कि refill इसमें है ना, refill consist of pen, consist of, में होना contain भी होता है, contain pen, contain refill, pen में refill है, contain में होना, लायक होना डिजर्व, यू डिजर्व, पास होना या लेना, जैसे खाना है ब्रेकफास्ट, हैव, आगे कम तो भाई अपना होना आउन, या फिर रहना लीव। अपना होना का एक और हम पोजेज भी बोलते हैं, पोजेज, जिसको अपना अधिकार होना, पोजेज, पोजेज है, जारी रखना, रिमेन जारी रखना, के जैसा होना, रिजेंबल, रिजेंबल के जैसा होना, प्रतीत होना, ऐसा लगना, सीम, लगना, प्रतीत होना। तो ये जो है ना, याद रखेंगे 12 भाव से स्टैटिक। कैसा लगा, धन्यवाद, कमेंट करके बताइएगा।